उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दो दिन से मुंबई दौरे पे हैं। वो मुंबई में उद्योग जगत के जो लोग हैं उनसे लगातार मुलाकात करे और साथ ही साथ बॉलीवुड के जो बड़े सितारे उनसे भी मुलाकात करे। आज ट्राइडेंट होटल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। उसी दौरान एनसीपी के कार्यकर्ता महिला समेत यहाँ पे होटल के बाहर जो है प्रोटेस्ट करी थी, विरोध प्रदर्शन करी थी, जिसमें वो लगातार योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी और साथ ही साथ हाथरस में जो केस हुआ था उसे भी लेके योगी आदित्यनाथ पे जो है निशाना साध रही थी। जिसके बाद मुंबई पुलिस ने एनसीपी के सारे कार्यकर्ताओं को डिटेन किया, उन्हें पकड़ के अपने साथ लेके गए। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ पे निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा है कि जो सुविधाएं मुंबई में बॉलीवुड को मिल रही है मुंबई की तरफ से, वो सुविधाएं किसी अन्य राज्य में नहीं मिल सकती। पिछले 100 साल से मुंबई में बॉलीवुड को सारी सुविधाएं मिल रही है, वो अन्य राज्य में नहीं मिल सकती। तो लोग जो है बॉलीवुड को मुंबई से ले जाने की बात कर रहे हैं, जो कि सरासर जो है विफल रहेगा। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि और सारी सुविधाएं अन्य राज्य में नहीं मिल सकती है, मुंबई में बॉलीवुड ही रहेगा। ऐसा है कि आपको सबको बताए कि फिल्म इंडस्ट्री जो है मुंबई में गए 100 साल के ऊपर से ऐसा ही है और इस प्रकार का यहाँ पे जो लगता है कि इस प्रकार का बाहर के राज्य में कितना भी कोई प्रयास करे यहाँ पे जो सुविधा है फिल्म इंडस्ट्री को उतनी सुविधा बाहर के राज्य में दे सकता है, क्योंकि यहाँ से बाहर फिल्म इंडस्ट्री जाने का यूपी में जो जाके के कानून व्यवस्था है जिस तरीके से यूपी में कानून व्यवस्था है उसके तुलना में कानून व्यवस्था जो भारत में जो कानून व्यवस्था है उसकी तुलना उनके राज्य से की जा सकती है। अपनी कानून व्यवस्था है बहुत और इसके अलावा जो सुविधा सुविधाएं मुंबई में है सुविधाएं बाहर के राज्य कोई भी राज्य तो जो पिक्चर कवायद की जा रही है उसमें क्या मुख्यमंत्री विफल हो जाएंगे? तो इस तरह से जो है अब योगी आदित्यनाथ पे महाराष्ट्र के जो मुंबई दौरे पर है उससे लेके राजनीति साफ तौर पे देखी जा सकती है। महाविकास आघाड़ी भी लगातार इस बात को लेके योगी पे जो है निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। HM News के लिए सरिता शर्मा की रिपोर्ट।